तो दिस इस सिद्धू जोनल गार्डन, आई वांट टू विज़ हिट टीवी एप्प ऑल द सक्सेस फॉर देयर लांच, प्लीज डाउनलोड दी एप्प। कल ही एक हमारे बहुत खास फ्रेंड यूएस आए, उनकी आय फिफ्टी इयर्स के आसपास है, एंड उनका क्या था कंधे में दर्द था, यस, लेफ्ट शोल्डर वाज हर्टिंग, हमने इसीजी करा� आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं था सिर्फ लेफ्ट शोल्डर पेन था और यहीं पे हमने डायग्नोसिस बनाया कि इनको ये फ्रोजन शोल्डर है है जो डायबिटिक पेशेंट को होता है। आप इस समय अगर इंडिया में है तो आप डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड में है अगर हैदराबाद में है तो आप डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया में है शुगर को रेगुलरली टेस्ट कराइए जिससे कि आप रेगुलरली हेल्दी लाइफ स्टाइल इन्हीं का शुगर का एच बी कराया वो निकला ट्वेल्व ट्वेल्व एच बी एन सी का मतलब क्या है कि इनको शुगर तीन महीने से उनको पता भी नहीं है और इट्स एज रिस्की कि कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि एच बी एवं सी ट्वेल्व का मतलब छ सौ से सात सौ शुगर और आपको पता भी नहीं इसीलिए आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है अगर आपके खानदान में किसी को भी शुगर है ब्लड प्रेशर है हार्ट अटैक है तो आपको होगा जरूर और वो ना हो उसे तभी हो सकता है अगर आप उसको रेगुलरली टेस्ट कर रहे हैं तो इसीलिए आपके घर में शुगर ब्लड प्रेशर का मशीन होना बहुत जरूरी है डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है अपना वजन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है एंड यस मीठी बातों के साथ साथ मीठा बोलना जितना अच्छा लगता है मीठा खाना उतना आपकी सेहत के लिए बुरा है मीठी मुस्कान और मीठी बोलचाल जरूर रखिए लेकिन मीठा खाने से दूर रहिए खाने में शुगर और सॉल्ट और स्पाइसेस को कम रखेंगे तो आप हेल्दी हैप्पी स्माइलिंग जिएंगे स्पेशली अगर आपकी उम्र 20 साल या 25 साल 30 साल से ऊपर है तो रूखा सूखा फीका खाइए लंबे समय तक हेल्दी हैप्पी स्माइलिंग लाइफ जीना आपकी और मेरी जरूरत है और इन्हीं मैम ने कहा था कि सर अब मेरा एच बी है एक दो टैबलेट में से मैं काम चला लेती हूँ नहीं एच बी का मतलब यह है कि आपको इंसुलिन की जरूरत है एंड वो क्या चाह रहे थे कि हम एक महीने के अंदर मैं अपनी शुगर कंट्रोल कर लूंगी डाइटिंग के साथ के साथ एक्सरसाइज के यू आर रॉन्ग वंस अ अ ऑलवेज कुछ पेशेंट्स को हनीमून पीरियड आता है कि कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो गया टैबलेट्स के द्वारा नहीं तो डाइट और एक्सरसाइज के द्वारा लेकिन फिर जब दोबारा अटैक पड़ेगा यू विल बी वेरी सीरियस आपकी दवाई कितनी होनी चाहिए कब बंद करनी चाहिए आपका डॉक्टर ही बता सकता है आइए आप और हम बैठ करके उन तीन बीमारियों को टारगेट करें हिट टी के साथ जो कि हमारे इंडिया को बर्बाद कर रही हैं। एच इज फॉर हाइपरग्लाइसीमिया दैट इज डायबिटीज आई इज फॉर इंक्रीज ब्लड प्रेशर दैट इज हाइपर टेंशन टी इज फॉर थाइरॉयड डिसऑर्डर्स ये तीन के तीन जो बीमारियां हम लोग तो काफी लाइफ स्टाइल से जोड़ करके देखते हैं और इन तीनों में वजन का कम रहना या नॉर्मल के बराबर रहना बहुत जरूरी है आई ये हिट के साथ हम इन तीन बीमारियों को हिट करें और अपने समाज को एक अच्छे दें। आपको कुछ भी डाउट हो रीच आउट टू मी एट एट वनरोस वन टू सेवन फोर सेवन फाइव में आपका होस्ट और दोस्त आशीष चौहान अवेलेबल हूं अपोलो हॉस्पिटल सिकंदराबाद में और साथ ही साथ, टावर्स, आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा नाइन डबल एट फाइव फोर थ्री नाइन वन सेवन जीरो पे और इन सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपोलो ऐप से टू फोर सेवन से मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लेते हैं स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने इंदौर भाइयों के लिए कुछ ही दिनों पहले मैं इंदौर गया था वहाँ पे मैंने देखा था कि बहुत मिलनसार लोग हैं वहाँ पे लेकिन वहाँ के खाने में मसाला मैंने देखा है ज़्यादा होता है तो आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा इसीलिए अपने को स्लिम ट्रिम रखिए खाने में नमक कम खाइए और भले ही आप शाकाहारी हो मांसाहारी ना हो लेकिन शाकाहारी खाने में भी अगर नमक या ऑयल ज्यादा होगा तो वो आपको डेफिनेटली ब्लड प्रेशर देगा ही देगा सो रिमेम्बर ऑल दीज एंड रीच आउट गुड बाय नमस्कार हिट टीवी ऐप ऑल दक्सेस फॉर देर लॉन्च प्लीज डाउनलोड दाउनलोड नाउ प्लीज डाउनलोड दाउ प्लीज डाउनलोड द्लीज डाउनलोड दाउ डाउनलोड दाउ